हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे साधारण सी आलू की सब्ज़ी भर्त के लिए और कुट्टू के चून की रोटी बना सकते हैं आप, परांठे बना सकते हैं या पूरियाँ कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसके परांठे बनाऊंगी आज। और मैंने आलू की सब्ज़ी के लिए लिए हैं आलू उबले हुए, हरी मिर्च और टमाटर, हल्दी पाउडर, और ये है मेरे गार्डन से मैंने कुछ लिए हैं, अजवाइन के पत्ते, जीरा और सेंधा नमक है, मैंने इसको डिब्बे में डाल दिया है। हम मसालेदानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मसालेदानी में वैसा नमक होता है, तो हम डिब्बे की हल्दी का यूज़ करेंगे और इससे फालतू हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो और घी, मस्टर्ड ऑयल, हम सरसों का तेल नहीं लेंगे, सरसों का तेल व्रत में यूज़ नहीं करते, तो हम लेंगे घी। तो हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। घी हमने डाल दिया है और अब डालेंगे हम इसके अंदर जीरा। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना भूल गई, इस सब्जी को बनाने से पहले हम इसमें से एक या दो आलू निकाल लेंगे, वो हम कुट्टू के चून में यूज करेंगे। आलू लिए हैं हमने, मस्त कर लिए हैं, और ये जो पत्ते हैं इनको हम ऐसे तोड़ के जो टमाटर डाले हैं उनके साथ ही डाल देंगे। तो सब्ज़ी हमने बननी रख दी है कुकर में, सब्ज़ी बन जाएगी। अब करते हैं हम आटे को गूंदना स्टार्ट। ये है हमारा कुट्टू का आटा, पहले इसको आप छलनी से छान लें, देखो ये इतना वो वेस्ट निकलता है इसके अंदर से, और वो भी आटे की छलनी से ना छने, मैंने ये चाय बड़ी छलनी होती है उससे छान। तो हम ये आलू हैं इनको इसके अंदर आटे के अंदर मलेंगे। चून में आलू बिल्कुल ही मत लें ऐसे अपने हाथ से, और फिर डालेंगे हम इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार। हम लेंगे अब पानी, पानी बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसके अंदर और इसको गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, पानी इसमें बहुत ही कम यूज़ हुआ है क्योंकि हमने इसमें आलू डाल दिए हैं ना इसलिए। और ये देखो हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब हम तलेंगे इसकी, पूरी भी तल सकते हैं आप, रोटियाँ भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम रोटियां बनाना करेंगे स्टार्ट। बहुत से फ्रेंड्स ये सोचते होंगे कि रोटियां बनाना मुश्किल है कुट्टू के चून की, हम बेलन भी नहीं लेंगे और ना ही इसको हाथों से ही बनाएंगे। देख, जैसे बहुत से लोगों को तो पता होगा जो लोग गांव में रहते हैं, हाथों से बाजरे की रोटियां बनाते हैं, और ये भी बाजरे के चून की तरह ही होता है। ये थोड़ा सा उस तरह होने से टूट जाएगी रोटियां। तो ये हम दोनों तरफ से जो सूखा हुआ आटा है ना कुट्टू का, दोनों तरफ हाथों के लगा लेंगे जिससे कि वो रोटी आराम से बढ़ जाए। तो ये हमारी रोटी, देखो जितनी आप पे ये बने उतनी बना ले चौड़ियाँ ही में। तो ये मेरे पास से देखिए, अब इसको डाल देंगे हम तवे पर। तो रोटी को हम सहज धीरे धीरे से देखेंगे कि रोटी नीचे की तरफ से, ये हम फिर इसको देंगे प्लट। आप इसकी रोटी बना सकते हैं, रोटी बनाने के लिए रोटी बनाएं, मैं इसके पराठे बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी और हमारी सब्जी भी हो चुकी है रेडी। तो हम खोलते हैं और आपको परोस कर दिखाएंगे। तो ये लीजिए, हमारी सब्जी भी रेडी है और ये हमारी थाली भी रेडी है, तो आप इसे खा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
आप कमेंट के साथ साथ लाइक भी करा करो, कंजूसी करते हो आप लाइक करने में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।